पानाति पाता विर्मनि सिक्खापदिं स्मादयामि आदिन्नदाना विर्मनि सिक्खापदिं स्मादयामि। कई मर्तबा कई बार ऐसा होता है कि जब कभी हम ग्रुप वगैरह में होते हैं या किसी के साथ होते हैं तो कई लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं बातचीत का लहजा देखकर जानकारी देखकर कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि जाति का तो मैं काफी वीडियो बना चुका हूं और काफी जानकारी रखता हूं। तो मैं बदले में उनसे प्रश्न करता हूं कि आपकी जाति क्या है। वो थोड़ा बौखला जाता है क्योंकि ऐसी बहुत कम उम्मीद होती है कि आदमी कोई जाति पूछे और पलटकर आप उसकी जाति पूछ लें। क्योंकि उसने आपकी जाति पूछी है तो वो अपनी जाति के बारे में बताएगा। अब उसका दायित्व बनता है, उसकी मॉरिटी बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो आपके प्रश्न का जवाब दे। तो वो कुछ ना कुछ जाति बताता है। क्योंकि मुझे शब्दों का ज्ञान है, सदसार में जानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि जाति कैसे बनती है, कैसे बनाई गई और कैसे ये चलती है। लिखित में कहीं कोई दस्तावेज नहीं है, ये हवा में चलती है। वो मुझे जाति का नाम बताता है तो मैं उससे पूछता हूं कि इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। बहुत अधिकतर लोग अर्थ और मतलब नहीं बना पाते, कहते हैं बस पीछे से आ रही है, इतनी ही जानकारी रखते हैं। कुछ जो तेज तर्रार लोग हैं वो कहते हैं कि जाति के साथ में हमारा ये गोत है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई जाति का अर्थ बताइए, फिर गोत का बताइए, कौन सा गोत है इसका अर्थ बताइए। अधिकतर लोग उसमें खेल जाते हैं काली सी और अपना गोत भी नहीं बता पाते। जो लोग गोत बताते हैं मैं उनसे पूछता हूं कि गोत का मतलब बताइए, इस गोत को कैसे बना कैसे नहीं। कहते हैं हमें तो पता नहीं, शास्त्रों में लिखा है, कहीं उन्होंने बताया था, हमारी कुंडली में लिखा है। किसने लिखा, कैसे लिखा। बहुत ज्यादा पूछने पे कहते हैं जी हमारा वर्ण है, तो वर्ण पटक जाते हैं। मैं वर्ण पूछता हूं वर्ण क्या है, एक आध कोई वर्ण के बारे में बताता है, अनर्गल बातें, झूठी बातें। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि ये आपका पढ़ा कैसे, जो पीछे नाम है। तो कहते हैं कि हमारे एक ऋषि थे, उनका नाम उस पे था, उससे हमारी ये पढ़ा हुआ है। ऋषि पे आके बात अधिकतर जो तेज तर्रार लोग होते हैं वो रुक जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि ऋषि का नाम से आपका नाम पड़ा है, ऋषि का नाम कैसे पड़ा और ऋषि क्या था। यानी अगर ऋषि का लाइनेज आपसे स्टार्ट होती है, ऋषि की वंशवाद आपसे स्टार्ट होता है, तो ऋषि का किससे होता है ये नाम। अगर ऋषि का था, सपोज ऋषि का नाम था कैनन, कैनन कैमरे का नाम है हम वैसे मान लेते हैं, तो कैनन अगर ऋषि का नाम है तो कैनन पढ़ा कैसे, कैसे उस ऋषि का पढ़ा और उससे पहले ऋषि क्या था। यानी ये तो तय बात है कि ऋषि का जो कैनन नाम है उससे सारे कैनन लोगों का वंशवाद है, मगर कैनन से पहले वो किस लाइनेज में था। यहां आके सभी चुप हो जाते हैं, कोई नहीं बोलता। मेरी जात तो क्या पूछेगा और क्या वो जानेगा, अपनी के बारे में पछड़े में पड़ जाता है। बहुत लोगों से पूछा, कोई नहीं बता पाया, क्योंकि जाति का सिस्टम हवा में है, लिखित में कहीं नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, कोई किताब नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो 70 साल पहले जाति का इतना ज्यादा नाम लोग पीछे नहीं लिखते थे। एक नाम होता था, एकल नाम होता था या गुणवाचक नाम होता था। उससे पहले अगर आप जाएंगे कथा कहानियों में या जो माइथोलॉजी है या जो बुद्ध का साहित्य है, तो आप देखेंगे कि वो बड़े सिंपल से सबके नाम रहे हैं, कोई जाति बेस्ड नाम नहीं रहा, क्योंकि जाति उस समय थी भी नहीं। जाति अभी हाल फिलहाल की ही उत्पत्ति है, जिसका नुकसान और जिसका फायदा लोगों को होता है। जो बड़ी जाति वाला होता है, ये फिनोमिना है, वो दबाता है नीचे वाली जाति को, ऐसा उसके दिमाग में भरा जाता है, वो लुटता पिटता है और वो कभी नहीं सोचता। जाति से अगर बाहर आना है तो जाति से बाहर आने के लिए बाहर कदम रखिए, बेहिचक होके, बेझिझक होके औरों की पूछिए, जितने लोग मिले सबकी पूछिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि किसी को जाति के बारे में जानकारी है ही नहीं। सारा सिस्टम बिल्कुल हवा में चल रहा है, इस तरह से हवा में चल रहा है कि आपको ताज्जुब होगा। लोगों से जानकारी बढ़ाइए, लोगों से देखिए, समझिए। 500 लोग मिलेंगे आपको, 500 में 5 लोग भी आपको नहीं बता पाएंगे कि जो वो पूंछ लेके घूम रहे हैं, जो जाति लेके घूम रहे हैं, उसका उद्गम क्या है, बनी कैसे, और जहां वो आखिर में रुकते हैं फिर उससे पूछे उससे पीछे क्या थे, कोई नहीं बता पाता। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैंने पूछा। इसलिए डरिए मत, जाति को अच्छी तरह से व्याख्या कीजिए, समझिए। बेशक आपको जानकारी नहीं है शब्दों की, जाति की, पूछते रहिए, पूछ पूछ के जानकारी हो जाएगी। सब हवा में है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जाति में अगर बाहर निकलेंगे, जाति से पूछेंगे, तो जाति बहुत तेजी से भाग जाती है। जानकारी बहुत बड़ा हथियार होती है, जाति अज्ञानता में फैलती है। जानकार लोग कोई भी जाति नहीं रखते, ना ही भयभीत होते हैं। धन्यवाद। 322 पर सभी वीडियो बुक
कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। द्वितीयं पि बुद्धं मे शरणं गच्छामि।